दोस्तों जैसे कि आपको पता है एमपीपीएससी 2024 के लिए वैकेंसी आ चुकी है। अगर आप में से भी कोई कैंडिडेट इसके लिए आवेदन वगैरह करने की कोशिश कर रहा है और उसको यहाँ पर फोटो सिग्नेचर या फिर जो इसमें बैंक की पासबुक अपलोड होती है या फिर एड्रेस प्रूफ के लिए आपको कोई भी आईडी प्रूफ अपलोड करना पड़ता है, तो उनको आपको कैसे क्या साइज वगैरह सेट करना है, कैसे उनका डायमेंशन वगैरह सेट करना है ताकि फॉर्म आपका आगे चल के रिजेक्ट ना हो, साथ में फोटो से रिलेटेड क्या इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, सिग्नेचर से रिलेटेड क्या इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी और अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मैं डायरेक्ट उसी जगह पर आ गया हूँ जहाँ पर आपको बैंक की पासबुक और इस वाले ऑप्शन में अपलोड करनी है स्कैन करके, और नीचे यहाँ पर आपकी आईडी प्रूफ अपलोड होगी। इसके बाद इसके नीचे यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करनी है, इसके बगल में यहाँ पर आपको साइन अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ क्या इंस्ट्रक्शन है इससे रिलेटेड। इसके नोटिफिकेशन में जो दे रखे हैं, मतलब फोटो वगैरह अगर आपके इनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से नहीं होगी तो हो सकता है आगे चल के आपकी फोटो भी रिजेक्ट हो जाए। तो जैसे ही आपको पता है यहाँ पर दो तरीके की वैकेंसी आई है, एक तो स्टेट फॉरेस्ट सर्विस प्राइमरी एग्जामिनेशन और दूसरी स्टेट सर्विस प्राइमरी एग्जामिनेशन, मतलब एक फॉरेस्ट वाली एक सादा वाली है। तो दोनों की नोटिफिकेशन में थोड़ा सा अंतर होता है लेकिन जो डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने वो तो सेम ही रहते हैं। तो यहाँ पर मैं एक नोटिफिकेशन को ओपन कर लेता हूँ और इस नोटिफिकेशन में जब आप पेज नंबर 13 पर आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर फोटो से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्कैनिंग जो आप कर रहे हैं वो पासपोर्ट साइज आपकी फोटो होनी चाहिए और नई कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए जिसको आप अपलोड कर रहे हैं यहाँ पर, और साथ में उस फोटो पर कैंडिडेट का नाम और फोटो खींचने की तारीख लिखी होनी चाहिए साफ साफ अक्षरों में, जो कि तारीख 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 3 महीने से ज्यादा पुरानी अगर फोटो होगी तो वो फोटो आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। फोटो खिंचवाते समय दोस्तों आप बिल्कुल रिलैक्स हो और सीधे कैमरे की तरफ आपकी नजर होनी चाहिए। कोई भी अगर आप नजर वाला चश्मा लगाते हैं तो चश्मे के ऊपर लाइट का या फिर कैमरे का फोकस वगैरह नहीं होना चाहिए। साथ में कोई भी डार्क ग्लासेस वगैरह, मतलब जो काला चश्मा रहता है, काला चश्मा वगैरह टोपी वगैरह हेड वगैरह लगाकर आपको फोटो नहीं खिंचानी है, नहीं तो वो फोटो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। साथ में दोनों कान आपके साफ नजर आने चाहिए फोटो में, ये नहीं कि आपने सेल्फी ले ली तो वो भी फोटो यहाँ पर रिजेक्ट कर दी जाएगी। और यहाँ पर एक चीज और मेंशन कर रखी है दोस्तों 5वें नंबर पॉइंट में कि फोटो में बैकग्राउंड जो हो वो हल्के कलर का हो या फिर सफेद कलर का हो। सफेद कलर का हो दोस्तों तो ज्यादा अच्छा है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बैंक की पासबुक की बात करूं तो पासबुक आपको ऑरिजिनल स्कैन कर लेनी है या फिर आप चाहें तो उसकी हिसाब से फोटो खींच लीजिए, इसमें आपकी सभी बैंक की डिटेल्स वगैरह साफ साफ नजर आए, और उसको उतना उतना क्रॉप कर लीजिए आप। और बैंक की पासबुक दोस्तों आपको जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करनी है, साइज इसका बता रखा है 20 से 200 KB के बीच में आपको रखना है। मैं सभी डॉक्यूमेंट के साइज वगैरह सेट करना अभी थोड़ी देर से आपको बताता हूँ। और इसके बाद दोस्तों आप जो भी यहाँ पर एड्रेस प्रूफ अपलोड करेंगे इस वाले ऑप्शन में, उसका साइज भी यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट और साथ में 20 से 200 केवी के बीच में आपको अपलोड करना है, जिसमें आप चाहे तो कोई भी रेंटल एग्रीमेंट है, अगर कोई किराए पे आप रह रहे हैं या फिर लीज एग्रीमेंट है वो अपलोड कर सकते हैं, पासपोर्ट अपलोड कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड अपलोड कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन का कार्ड अपलोड कर सकते हैं, राशन कार्ड अपलोड कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर सकते हैं, यूटिलिटी बिल्स अपलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास आधार कार्ड वगैरह है वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको दोनों साइड की जो कॉपी होती है उनकी साफ साफ सी फोटो खींच लेनी है या फिर उनको स्कैन करवा लेना है और कंबाइन करके उसको आगे पीछे की तरफ अपलोड करना है। मैं अभी आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको कंबाइन करना है अगर आपको नहीं पता है तो। इसके बाद दोस्तों जो भी फोटोग्राफ और सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे यहाँ पर वो भी आपको जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। साइज फोटो के लिए यहाँ पर बता रखा है 20 से 100 KB के बीच में आपको अपलोड करना है और सिग्नेचर आपको 10 से 100 KB के बीच में अपलोड करना है। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए दोस्तों मैंने अपनी वेबसाइट पर काफी सारे फ्री टूल्स दे रखे हैं जिनकी मदद से आप इन सभी का साइज वगैरह सेट कर पाएंगे। तो हम आ जाते हैं onlineboost.in पर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, चाहे तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ऑनलाइन टूल्स का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा जिसपे आपको क्लिक कर देना है, और अगर आप कोई ऑनलाइन नई चीजें सीखना चाहते हैं या फिर अर्निंग के सोर्स वगैरह ढूंढना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने अलग से सेक्शन बना दिया है, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। और इसको दोस्तों आप चाहे तो हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर काफी सारे मैंने ब्लॉग्स पोस्ट कर रखे हैं, अभी तो मतलब सिंगल है, धीरे धीरे और भी पोस्ट हो जाएंगे। तो मैं ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ, यहाँ पर आपको काफी सारे टूल्स देखने के लिए मिल जाएंगे दोस्तों। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं दोस्तों आपको वो वाला टूल दिखाता हूँ जिसकी मदद से आप फ्रंट साइड और बैक साइड आधार कार्ड की या फिर वोटर कार्ड की, क्योंकि यहाँ पर आईडी प्रूफ में आपको अपलोड करने का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तो उसमें फ्रंट साइड और बैक साइड की अलग अलग से फोटो खींच लीजिए या फिर उनको अलग अलग स्कैन कर रखी हो आपने, तो उसको आपको सिंगल पेज पर कैसे करना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर एक टूल देखने के लिए मिलेगा इमेज ज्वाइनर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको फ्रंट साइड सेलेक्ट करनी है पहले वाले ऑप्शन में, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास फ्रंट साइड आधार कार्ड ये है, इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे वाले ऑप्शन में आपको बैक साइड सेलेक्ट कर लेनी है, यानी मेरे पास बैक साइड। अब इनको आप इसी तरीके से बना रहने देना, इनको आपको चेंजेस वगैरह नहीं करने हैं, 300 और 200 जिस तरीके से फेल है यहाँ पर। नीचे आपको वर्टिकल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और ज्वाइन इमेजेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नीचे आपको यहाँ पर प्रीव्यू देखने के लिए मिल जाएगा और आपको फाइल को डाउनलोड कर लेना है, किसी भी नाम से आप इसको सेव कर लीजिए। और आप ओपन करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा भैया फ्रंट साइड ऊपर आ चुकी है, बैक साइड नीचे आ चुकी है अपने आप ही। इसी तरीके से आप कोई भी दोस्तों आईडी प्रूफ ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि नाम डेट वाली फोटो अपलोड करनी है, तो आपके पास मान लीजिए सादा फोटो
फोटो है बिना नाम डेट वाली, उस पर आप नाम डेट भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने जैसे काफी सारे टूल्स वगैरह बना रखे हैं, तो यहाँ पर आपको नाम डेट वाला भी टूल मिल जाएगा, एड नेम एंड डेट ऑन फोटो। तो इस पर आप ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर आप फोटो सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी फोटो आपको इसमें अपलोड करनी है जिसपे आपको नाम डेट डालना है। मान लीजिए ये मेरे पास फोटो है, बैकग्राउंड जैसे कि मैंने आपको बताया था व्हाइट कलर के बैकग्राउंड की आपकी फोटो होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने नाम डेट अभी डाला नहीं है फोटो में, मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब जो भी आपका नाम है पूरा वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद जो भी डेट आपको फोटो पर डालनी है यहाँ पर आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आज 25 जनवरी है, मैं आज की यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर टुडे वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं, ऑटोमेटिक आज की डेट डलकर आ जाएगी। यहाँ पर डेट हो सकता है उल्टी लिख कर आए, लेकिन जब आप जनरेट इमेज करेंगे तो फोटो पर डेट सही आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, 25 जनवरी 2024 की ये फोटो हो चुकी है। इसके बाद फोटो को आप डाउनलोड कर लीजिए और किसी भी नाम से आप इसको सेव कर लें। तो दोस्तों दो चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, अब बारी आती है इन सबका साइज वगैरह सेट करने की, क्योंकि साइज वगैरह अगर आप सेट नहीं करेंगे तो ये सभी चीजें यहाँ पर अपलोड नहीं होंगी एक बार में, और आपको कुछ ना कुछ एरर आता ही रहेगा। अब वापस से हम ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको मैनुअल इमेज रिसाइजर वाला ऑप्शन दिखाई देगा, साइज सेट करने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब सबसे पहले तो यहाँ पर आपको पासबुक अपलोड करनी है अपने बैंक की, तो यहाँ पर आप पासबुक सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही मेरे पास यहाँ पर एक सैंपल फाइल डली हुई है, इसी आकार की आपकी लगभग पासबुक होगी, तो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ इस फाइल को। अब दोस्तों पासबुक के केस में मैंने जैसे ही आपको बताया था साइज 20 KB 200 KB के बीच में होना चाहिए, तो वेथ में अले ऑप्शन में दोस्तों आप यहाँ पर डाल देंगे 500 और हाइट वाले ऑप्शन में आप 500 डाल देंगे। इस तरीके से आप देखेंगे साइज यहाँ पर 27 KB के आसपास हो चुका है, या फिर थोड़ा बहुत कम भी हो रहा हो तो नीचे वाला इमेज क्वालिटी का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। इसको अगर आप लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो साइज कम होने लगेगा, राइट साइड में लेके जाएंगे तो साइज बढ़ने लगेगा। आप इसके थ्रू 50 KB के आसपास इसका साइज कर लीजिए और इमेज को डाउनलोड कर लीजिए, किसी भी नाम से आप इसको सेव कर लें। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी जो आपने आईडी प्रूफ अपलोड करनी है उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि जो मैंने आईडी प्रूफ अभी बनाई थी उसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ये रही मेरी आईडी प्रूफ। अब इसका साइज वैसे तो 40 KB के आसपास है, लेकिन आप इसके साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पर 500 डाल दूंगा आईडी प्रूफ के केस में और यहाँ पर 700 डाल दूंगा। अगर आपका आईडी प्रूफ लंबाई में है, मतलब इस तरीके से आपका आईडी प्रूफ सीधा है, तो आप यहाँ वाले ऑप्शन में 500 डालेंगे, यहाँ वाले ऑप्शन में 700 डालेंगे। अगर इस तरीके से आपका आईडी प्रूफ सीधा है तो आप 700 इस वाले ऑप्शन में डाल देंगे, 500 इस वाले ऑप्शन में डालेंगे। इसके बाद क्वालिटी वाले ऑप्शन से आप इस यहाँ पर साइज को सेट कर लेंगे, वही 50 KB के आसपास कर लीजिए साइज को, और इसको डाउनलोड कर लीजिए, किसी भी नाम से आप इसको सेव कर लें। अब यहाँ पर आपको दोस्तों फोटो सेलेक्ट करनी है, तो मैंने एक फोटो बना ली थी अभी नाम डेट डालकर, इसको मैं यहाँ पर ओपन कर ले रहा हूँ। फोटो केस में मैंने आपको साइज बताई दिया था 20 से 100 KB के बीच में फोटो होनी चाहिए। वैसे जो भी फोटो आपने नाम डेट वाली बनाई होगी उसका साइज 30 KB के आसपास आ रहा होगा ऑटोमेटिकली, लेकिन फिर भी आप सेट करना चाहे तो यहाँ पर कर सकते हैं। इस वाले ऑप्शन में आपको 300 डाल देना है, यहाँ पर 400 डाल देना है। अब नीचे क्वालिटी वाले ऑप्शन से आप साइज सेट कर लीजिए, यहाँ पर करीब 30 KB के आसपास कर लीजिए साइज इसका, 40 KB के आसपास, और इसको डाउनलोड कर लीजिए, किसी भी नाम से आप इसको सेव कर लें। अब यहाँ पर हम सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे जिसका साइज 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, और सिग्नेचर जैसे कि मैंने आपको बताया था व्हाइट प्लेन पेपर पर आपको साइन करना है और कैपिटल लेटर में आपको साइन नहीं करना है। इस तरीके से अगर आप इस तरीके से साइन कर देंगे, कैपिटल लेटर में सभी अक्षर बना देंगे, तो आपके साइन रिजेक्ट हो जाएंगे। आप चाहे तो हिंदी में साइन कर सकते हैं इस तरीके से, चाहे इंग्लिश में साइन कर लीजिए, लेकिन बिना लाइन वाला पेपर आपके पास होना चाहिए। और कोशिश ये करिएगा दोस्तों ब्लैक पेन से आप साइन करें, ब्लू पेन का यहाँ पर कम यूज करें, क्योंकि ब्लैक पेन से साइन डार्क आते हैं तो डार्क साइन आपके रिजेक्ट नहीं होंगे। तो मैं यहाँ पर इस वाले साइन को ओपन कर ले रहा हूँ। सिग्नेचर केस में दोस्तों आपको यहाँ पर 500 डाल देना है और यहाँ पर आपको 300 डाल देना है। इस तरीके से आप देखेंगे सिग्नेचर साइज 16-17 KB के आसपास आ चुका हो, आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 30 KB के आसपास कर लिया और इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, किसी भी नाम से आप इसको भी सेव कर लीजिए। अब आ जाते हैं हम अपलोड करने वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर एक एक करके सभी फाइलों को सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बैंक की पासबुक सेलेक्ट कर लेंगे जो हमने बैंक की पासबुक यहाँ पर बनाई है। इसके बाद यहाँ पर अपना आईडी प्रूफ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे आप यहाँ पर फोटो सेलेक्ट करेंगे, जो भी फोटो आपने यहाँ पर बनाई है यहाँ पर आप सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे। और मुझे इससे पहले आपने सभी डिटेल्स को फिल कर लिए होंगे, इसके बाद आप यहां पर ये सभी चीजें अपलोड कर रहे हैं। इसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये सभी चीजें आपकी एक बार में अपलोड हो जाएंगी, ना ही आपको कोई भी एरर देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और हाँ, अगर आपको वीडियो और जानकारी पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए।